साथियों, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले तो स्वयं में विश्वास करना सीख लो। कैसे सफल होगे? अपने भीतर के देवत्व को तो जगाओ। सफलता दिलाने का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ये घटक है, अपने भीतर के देवत्व का ज्ञान जागरूक करना, अपने गुण को विकसित करना और अपने गुण का इस्तेमाल करना। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके गुण ईश्वर प्रदत्त हैं। आप में ऐसी ऐसी क्षमताएं हैं और ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें सतत विकास की सिर्फ जरूरत है। ईश्वर में, दैवी शक्ति में, दैवी प्रेम में आस्था भी रखने की जरूरत है। आस्था रखें और उसकी सर्वव्यापी उपस्थिति हमेशा आपकी हिफाजत कर रही है। आपको यह जानना पड़ेगा कि आस्था में ही सफलता है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य का जीवन है। ईश्वर असीम बुद्धिमता, असीम प्रेम, असीम प्रज्ञा, परम आनंद, अमर सद्भाव और अनिवचनीय सौंदर्य भी है। इसलिए साथियों, ईश्वर में आस्था यह एहसास है कि सिर्फ एक ही आध्यात्मिक शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, समूचा प्रेम है, समूचा प्रकाश है, समूचा जीवन है और मुश्किल के समय में सदैव मौजूद रहने वाला वो ताकत है। उसकी ही सहायता से हर आदमी बढ़ जाता है, आगे सफल हो जाता है। ईश्वर की शक्ति ही आपके विचार पर प्रतिक्रिया भी करती है। हम सोचते हैं कि ईश्वर की शक्ति हमारे लिए कुछ नहीं, अदृश्य शक्ति, अपार प्रेम उसके अंदर भरा हुआ है। यानी कि मनुष्य के पास सफल होने के सारे साधन है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर में ईश्वर है, क्योंकि उसके अंदर में ईश्वर के प्रति आस्था है। ईश्वर की सारी विशेषताएं, उसके सारे गुण और शक्तियां सब उसी के भीतर है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता के विचार में सफलता के सारे अनिवार्य तत्व शामिल हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम वही करें जो हमें बेहद पसंद है। जब हम अपने प्रयास में खुश होते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम में एक आंतरिक सृजनात्मक शक्ति है। इसे सकारात्मक विश्वास बना लें, तभी जाके सफलता मिल सकती है। अवचेतन मन असफलता देती है, चेतन मन ही सफलता देती है। आपको हमेशा ऐसा सोचना होगा कि मैं सिर्फ जोड़ता हूं। कैसा सोचना होगा? मैं सिर्फ जोड़ता हूं, मैं कभी घटाता नहीं हूं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक धन चिन्ह है, वो जोड़ने का काम करता है। सफल जीवन जोड़ने की क्रिया है, असफल जीवन मृत्यु के समान हो जाती है और वह घटाने की क्रिया बन जाती है। इसलिए हमेशा खुद को सफल महसूस करना चाहिए, इसकी कल्पना करनी चाहिए और आप सफल बन जाएंगे। और यह भी सच है कि सफलता के रास्ते में विपरीत परिस्थितियां मार्ग रोधक बनती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों को मानसिक रूप से यथास्थिति स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपना मन बदलने से परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। सकारात्मक मन बदलना पड़ेगा। हां, कल्पना शक्ति भी बढ़ानी होगी, कल्पनाशील भी बनना होगा। आपको मानसिक रूप से सफल अवस्था को, वास्तविकता का अनुभव करना होगा। आप जो करने की हसरत रखते हैं ना, वह करते हुए अपनी कल्पना भी करनी होगी। आप जो चीजें पाने की हसरत रखते हैं ना, वे चीजें पाने की कल्पना भी करनी होगी। यानी अंत में मैं ये आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति आदतन सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करता है और आस्था का मानसिक नजरिया रखता है, उसका जीवन में सफल होना और तरक्की करना तय है। इसे कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे साथियों, सफलता के गूढ़ रहस्य को मैंने आपसे बता दिया। इतना छोटा सा वीडियो, इसको ध्यान से 3-4 बार आप सुन लेंगे, सफलता निश्चित आपके पैरों तले है। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो बेल आइकॉन दबाएं। और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।